दोस्तों, मैं मनोज सिंह एक बार फिर वीडियो के ग्राउंड के ऊपर। आज 5 किलोमीटर का रनिंग स्टार्ट होने जा रहा है और आज 1600 मीटर का रनिंग आपको सेकंड फेज वाला नहीं देखने को मिलेगा। रीजन ये है कि आज का ग्राउंड बारिश की वजह से थोड़ा सा नमी ज्यादा है, जिसके अंदर थोड़ा सा ये फिसलन टाइप का है, जिसकी वजह से लॉन्ग रूट के ऊपर ये ट्रायल चल रहा है। आपको पता है वीडियो के अंदर ये ट्रायल 1600 मीटर, फिर 1600 मीटर और फिर 5 किलोमीटर का चलता है। बहरहाल आज एक ही ट्रायल लिया जाएगा, एक ही टेस्ट लिया जाएगा, वो है 5 किलोमीटर का। दोस्तों, आज लगातार जो हमारा SSC GD का फिजिकल चल रहा है, हमारे लड़के लगातार पास हो रहे हैं, जिसको मैंने बताया था कि बहुत बढ़िया रिजल्ट दूंगा। रिजल्ट सामने है, सारे SSC GD के लड़के पास हुए हैं। एक लड़का महाराष्ट्र में गया और मेरा एक लड़का फेल हुआ है, उसके अलावा बढ़िया रिजल्ट चल रहा है। तो उसी फेम में अभी भी SSC GD के लड़के और लड़कियां दौड़ रहे हैं, पुलिस के लड़के लड़कियां दौड़ रहे हैं, CPO के। तो ये मेरे लड़के हैं जो कि अब अगेन दोबारा तैयार हैं रनिंग करने के लिए, अपना टाइमिंग देने के लिए। अब इसके बाद आ रहा है UPP का बैच, उनका रनिंग, उनका कॉम्पिटिशन आने वाला है। तो हम SSC GD के साथ साथ UPP को प्रॉपर तरीके से अपना ट्रेंड्स कर रहे हैं और ट्रेंड्स में इनका पास होना, इनका रिजल्ट देना एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। और यहाँ से जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ SSC GD प्लस UPP के लड़कों, मिलते हैं 5 किलोमीटर के ट्रैक के ऊपर। लगातार आपके साथ मैं बना रहूंगा और ये लड़के चलते रहेंगे। आइए, जुनून, आपका जोश, आपका होश, तीनों एकदम एकत्रित करके सेकंड के ऊपर, मिनट के ऊपर फोकस करके, और बाकी कहीं की मम्मी पापा बैठे हुए वीडियो आने वाला देख लेना, साला वाला देखने मत कराना, ठीक है? रेडी? बस बहुत बढ़िया, दोस्तों। अगेन आपको पता है कि पहला राउंड फिनिश हो गया है, अब शुरू हो गया है सभी लोगों का रनिंग का टाइमिंग शुरू हो गया है। अब इन लोगों के एक एक करके ट्रैक के ऊपर आपको मिलेंगे यहाँ पे। और ये मैं जैसा बता रहा था कि ट्रैक का थोड़ा सा माहौल, आपको ये फिसलन टाइप है, देख लीजिए, फिसलन टाइप माहौल है, और इसी वजह से मैंने 1600 मीटर का रनिंग नहीं कराया था। और जबकि आपको पता है, जबकि दो मिनट दो सेकेंड, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, चलते रहो, कोई बात नहीं, चलते रहो। आपको पानी, रोड सबका सामना करना पड़ेगा, बहुत सही है, आपका पानी बरसा हुआ है, बिल्कुल सही है, इसमें नया अनुभव लो एकदम, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। विमान टाइमिंग पर तोड़ देना, ठंडा मौसम है एकदम, देख लेना, शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। लास्ट में आओगे बढ़िया से एकदम टाइमिंग देके, तो खुश रहोगे। अभी दुखी हो, मुझे पता है कई दुखी हो रहे हैं। अरे मिश्रा भाई, जो चला सबसे आगे था, सवा 2 मिनट 44 सेकेंड, सवा दोस्तों 2 मिनट 51 सेकंड का टाइम हो गया है। और आज का जो रनिंग है आपको एक अलग फ्रेम में देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा लड़कों का टाइमिंग ज्यादा आएगा। रीजन है कि कई जगह पे बारिश का थोड़ा सा असर है, और बारिश भी आपको पता होना चाहिए, रात को 9 बजे बहुत बढ़िया बारिश हुआ था, जिसकी वजह से प्रॉपर ट्रैक गीला हो चुका था। और आप वीडियो के ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, गीला ट्रैक हो रखा था, फिर भी टाइमिंग स्टार्ट है, आप सोच सकते हैं। रात को बरसा था और धूप तो हुआ नहीं है,
नमी में नमी है, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर धूप रहता, अगर दिन में होता तो ये ट्रैक कभी रुकता नहीं। इसीलिए किसी महीने में वीडीए का ट्रैक रुकता नहीं, बारिश हो कुछ भी हो सब कुछ चलता रहता है। तो अंदर अंदर, इसलिए टाइमिंग हमेशा यहाँ पे चलता रहता है और नए हर रोज कुछ नया नया सीखने को मिलता है लड़कों को। इस बारिश में अगर ये बारिश हुआ है तो लोगों ने इसको छोड़ दिया है, अगर ये बारिश हुआ है तो मैंने इसको यूटिलाइज किया है। बारिश में कैसे दौड़ोगे, कैसे फिसलन होगा, कैसे कवर करोगे, उसको भी नए तरीके से हम लोग सीखने पे मजबूर कर रहे हैं कि नहीं चले ठीक है बारिश में आप दौड़िए। आपके पास अगर ऐसा ऑप्टिकल आ गया कि आपके पास बारिश में ही दौड़ना पड़ गया तो आप क्या करेंगे? कुछ न कुछ यहां से नया चीज लेकर जा चाहता तो मैं कैंसिल करा देता था, कल कर देता, लेकिन नहीं कैंसिल नहीं किया। सवा सवा सरकार सीधे सीधे सड़क रहे, स्लीप कर रहे हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं। सवा सवा 4:17, बहुत सही। 11:46 का टाइम हो रहा है, ये यूपीपी का एसएससी जीडी का बैच चल रहा है, 11:46। इसी में कुछ लड़कियां थी जिनको यूपीपी में डाल दिया गया था 2400 मीटर के रेंज में, जिनका क्लोजिंग आप मैं दिखा रहा हूँ, उस लड़की का क्लोजिंग भी ये लास्ट चक्कर चल रहा है, 12:04 है, क्लोज करा देंगे क्योंकि आज थोड़ा सा फिसलन की वजह से लड़कियां नहीं आई थी और बुलाया भी नहीं गया था। तो फिर भी एक लड़की, दो लड़की, दो चार लड़कियां जो थी छुक थी आई थी अपना, तो उनको इसी फ्रेम में इसी टाइम में 2400 मीटर का टाइम दे दिया गया था। तो ये लड़कियां देखो 2400 मीटर का टाइमिंग है, 12:23 क्लोज करो, 12:26 बाहर से क्लोज करो, 12:29 12:32 12:35 में पहली लड़की क्लोज हो गई है और बाकी यही इसी का मन था कि नहीं मैं सब टाइमिंग दूंगा, बाकी प्रैक्टिस कर रही है। तो इस हिसाब से वीडीए अपना देखिए रनिंग करा रहा है और अभी रनिंग में जस्ट कौन सा चक्कर है जी, नौवां स्टार्ट है और नौवें चक्कर में आपका 12:54 मतलब 13 मिनट का टाइम हो गया है। और मैं बताया था कि आपको लगातार इस ट्रैक के ऊपर बने रहना है, अगर आप ट्रैक के ऊपर बने रहना चाहते हैं तो आपको कहीं न कहीं आपको वो लंबा सफर तय करना पड़ेगा, जो 5 किलोमीटर का सफर, वो भी वॉच टाइम के हिसाब से अगर आप सफर तय करेंगे तभी जाकर आप सक्सेस होंगे और सफल होंगे। और जस्ट देख रहे हैं ग्राउंड के ऊपर एक जो लड़के चल रहे हैं, अभी इनका 10वां चक्कर 9वां चक्कर में हालत क्या होता है, बैठकर आप अगर आप बैठे हैं अपने घर में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि 5 किलोमीटर आपका कवर हो जाएगा बड़ा इजी है, तो वो पॉसिबल नहीं है। हर लड़का यहाँ पे फाइट कर रहा है, हर लड़का लड़की फाइट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। कौन सा चक्कर है जी तुम्हारा? 17वां 8वां 5वां। हर लड़का यहाँ पे प्रयास कर रहा है, प्रयास के बाद भी टाइमिंग का टूटना मुश्किल होता है, कितना हम लोग इनको मेहनत कराते हैं। ये टाइमिंग आप बहुत इजी सा देख रहे हो बट इस टाइमिंग को लाने के लिए यहाँ पे इनका एकदम सुबह शाम एकदम मतलब कि रगड़ा पट्टी इतना चलता है जिसके कोई लिमिट नहीं है, तब जाकर ये टाइम लिया जाता है और टाइम में कॉन्फिडेंस आता है और तब जाकर ये बनते हैं एक सक्सेस, जिस काम के लिए आए हैं, जिस एम से आए हैं, फिर वहां से सक्सेस होता है, सफलता मिलती है। तो दोस्तों शाबाश जो भी यार, शाबाश दोस्तों, ये अपना सफर चलता रहेगा अभी लगातार 18-19 मिनट तक के बाद जब लास्ट क्लोज होगा तब मैं आपके साथ मिलूंगा, बीच बीच में मैं चलता रहूंगा ऐसे। कौन सा कितने चक्कर हुआ? हो गया 14:40। क्या नाम था? मनीषा। मनीषा का 14:40 में क्लोज हुआ 2400 मीटर। और हर लड़की क्लोज भी नहीं कर पाएगी, मैं जानता हूँ हर लड़की नहीं क्लोज कर पाएगी क्योंकि लॉन्ग रूट है। अभी लड़कियां आई हैं, मैं 1600 मीटर दौड़ा रहा हूँ, ट्रायल भी 1600 मीटर ले रहा हूँ, 2400 मीटर 5000 मीटर इनको दौड़ाने का काम मैं कर रहा हूँ, बट कंपटीशन का काम अभी इनके बस की बात नहीं है, 2-4-10 दिन देंगे तभी होगा, जब इनका प्रॉपर ग्रुप लूंगा और उस ग्रुप के अंदर जब इनको चलाऊंगा तभी देंगे। शाबाश शाबाश बहुत बढ़िया, 15:16 रुकना नहीं कोई लास्ट तक, ट्रैक के ऊपर चढ़,
लाल टी शर्ट ट्रैक के ऊपर 19:42 शुरुआत होना शुरू हो गया है। रुको मत, बाद में रुकना ही है तुम लोगों को, गला बैठा देते हो साले तुम लोग एकदम। धीरे धीरे चलो और धीरे चलो, लास्ट को फिनिश करो, रुकना बैठाने के लिए मैं टाइम दूंगा। चलो ले आओ 20:03 अभी मैं फाइनली यहाँ पे क्लोज हो रहा है एक लड़का, इसलिए मैं 20:07 का टाइम दिखा रहा हूँ। 20:09 20:12 20:14 20:16 20:18 आराम से सर को मत। 20:18 में पहला लड़का क्लोज है। अब धीरे धीरे वीडियो के इस ग्राउंड के ऊपर लड़कों का टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं बताया था कि रनिंग 5 किलोमीटर के ऊपर रुकना बहुत मुश्किल बात है, आसान नहीं है। और जब से लगे हुए तकरीबन मान चलो 20 मिनट पहले से लगातार ट्रैक के ऊपर लगातार लड़के दौड़ रहे हैं और कुछ न कुछ बढ़िया परफॉर्मेंस लेकर आएंगे। आज ट्रैक मैंने बताया था ऑलमोस्ट, देखिए ये गीला ट्रैक, ये देखिए गीला ट्रैक है। 20:52 20:52 क्लोज 20:57 क्लोजिंग शुरू है। शाबाश 20:16 21:17 21:22 21:24 धीरे धीरे स्लिप करोगे 21:28 21:30 21:32 स्लिप 30 रुके फिनिश 21:28 21:40 सवा 21:44 21:47 21:50 21:52 21:55 21:58 21:58 सवा 22:23 22:14 सवा बहुत बढ़िया 22:19 चल 22:25 22:28 22:30 22:32 क्लोज करो चलते रहो 22:38 22:40 22:41 22:41 सवा चल खींच ले 22:56 चलता रहा 23 24 23 24 23 35 35 सवा चल जा क्लच कर 23 52 23 55 23 55 23 57 सवा बहुत बढ़िया 24 स्टार्ट चल 24 14 दोस्तों टाइमिंग बढ़िया क्लोज हुआ है। मैंने आपको बोला था कि बारिश का असर रहेगा थोड़ा सा और वो दिखा, ग्राउंड के ऊपर दिखा, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं था बच्चों के, जोश और टाइमिंग में कोई कमी नहीं था। 24:28 24:30 सबस क्लोज करो अपना लास्ट चक्कर तक क्लोज करो 24:33 चल क्लोज कर
और जो लड़के मेहनत किए हैं रियल में, जो लड़के रोज मेहनत करते हैं, उनका रनिंग डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, बढ़िया बनता जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो मकरागिरी कर रहा है वो बिल्कुल नहीं बनेगा। 24 मिनट 51 सेकेंड, 24 54, 24 56, 24 57, 24 57, सवा 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 चलते रहो, 25 2, 25 2, 25 5, 25 5, 25 10, 25 12, चल चल बहुत बढ़िया, 25 12, 25 17। एक एक सेकेंड बच्चों के अपने परफॉर्मेंस के लिए मायने रखता है, उनका एक सेकेंड भी। 25 25 25 26, नवी क्लास में लड़का है, देख लीजिए इसका भी परफॉर्मेंस आज पहला दिन है मानते तीन क्लास का। 25 मिनट 34 सेकेंड, बस कर बस कर बस कर, सवा 25 मिनट 30 सेकेंड, सवा सवा 25 मिनट 43 सेकेंड। दोस्तों रनिंग आज तकरीबन फिनिशिंग की तरफ है, और हर डे वीडियो के अंदर जो भी लड़के हैं, 25 53 वीडियो के अंदर जो भी लड़के हैं कहीं न कहीं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं और दे भी रहे हैं। अगर आप भी फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं या अगर नहीं कर रहे हैं तो मेहनत प्रॉपर जारी रखिए, क्योंकि लंबा रूट है। 26 मिनट 7 सेकेंड, लंबा रूट रहेगा और लंबे रूट का जो सफर रहेगा, ये देख लीजिए सारे लड़के अपना एक बार थोड़ा सा ये इनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है जब ये लड़के फाइनली दौड़ किए और अपने टाइमिंग को दे देते हैं। टाइमिंग को देने के बाद तो फिर इनका कुछ भी, इनको कैसे भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार जो इनका डर रहता है कि क्या होगा दौड़ाने से पहले जो डर रहता है, तो इसके बीच में इनको मतलब कुल मिलाकर जब फिनिश कर लेते हैं तो सारा डर खत्म हो जाता है और एक बार फिर फ्रेश रहते हैं। 26 मिनट 40 सेकेंड, 26 मिनट 42 सेकेंड, 26 मिनट 45 सेकेंड, 26 मिनट 46 सेकेंड, अरे सवा सवा आराम से, 26 मिनट 50 सेकेंड, 26 मिनट 50 सेकेंड, क्लोज करो क्लोज करो, 26 मिनट 50 सेकेंड। जितना हो सकता है लड़के क्लोज कर रहे हैं, ईमानदारी से हर चक्कर को क्लोज कर रहे हैं, चाहे वो 27 मिनट में क्यों ना आए, 27 मिनट 4 सेकेंड इनका परफॉर्मेंस, जब तक इनको नहीं पता चलेगा तब तक नहीं होगा। आइए एक बार ग्राउंड के अंदर, रनिंग खत्म होने के बाद एक अलग माहौल हो जाता है, इस तरीके का माहौल हो जाता है, सब अपनी अपनी जगह, इनको आज छेड़ा भी नहीं जाता है कि नहीं तुम ऐसे क्यों बैठे हो वैसे क्यों बैठे हो, अरे कैसे हो भाई, क्या बोल रहे हो अभी कैमरे पे, रनिंग ठीक है, बारिश क्या कर रहा, कुछ नहीं कुछ नहीं, बारिश को बारिश में हाल ही बारिश में हाल ही ये है, सवा सवा साली पसीना पसीना तो हालांकि आता है इतने लंबे सफर में, पसीना तो आता ही आता है, लेकिन बढ़िया रहा 5 किलोमीटर दौड़ा दिया गया। तो क्या कल के लिए भी रेडी हो? Yes, अरे जोश बहुत है सबस, कल के लिए रेडी हो? Yes, कल के लिए लड़के रेडी हैं। आज 5 किलोमीटर का रनिंग हुआ है और कल 1600 मीटर होगा, अगर हम चाहें तो इन लड़कों को भी 1600 मीटर मैं कर सकता हूँ, लेकिन नहीं अभी ऐसा नहीं करेंगे। आइए, एक दीवान हमारा दीवान है, मृत आश्रित में लड़का है और इसका 30 मिनट का टाइमिंग है, और ये काफी होपलेस रहता था कि नहीं सर मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो हरियाल सामने से हटो। फाइनली इसका 28 मिनट 22 सेकंड आ रहा, अभी भी 2 मिनट इसके पास टाइम है, बट ये क्लोज कर रहा है, पूरा टाइम क्लोज कर रहा है। 28 मिनट 28 सेकंड, 28 मिनट 30 सेकंड, 28 मिनट 32 सेकंड, अभी भी टाइम के अंदर ये लड़का आ चुका है जरूर थोड़ा सा हैवी है, लेकिन जो इसको चाहिए उससे 2 मिनट कम आ रहा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये 2 मिनट कम ना आए, ये उन्हीं लड़कों के साथ आए, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाह रहे हम लोग, क्योंकि जॉब इसका पक्का है बट हम रिस्क नहीं ले सकते। तो दोस्तों आज यूपीपी के इस रनिंग के दौरान, यूपीपी के इस रनिंग के दौरान जो भी चीजें रही हैं कुछ सीखने की कोशिश करिएगा और अपना खुद का रनिंग बनाइए, और जो आप लोगों ने रिटन एग्जाम पास किया है, एग्जामिनेशन इतना हाई लेवल का होता है, पढ़ाई लिखाई इतना मेहनत करते हैं आप लोग, उसको आप क्लिक कीजिए और मेरिट लिस्ट में अपना नाम डालिए। इसके लिए आपने रिटन में मेहनत किया है तो कहीं ना कहीं आप लोग एक बार और अगेन फिजिकल में भी मेहनत कर लेंगे तो आपका सब कुछ हो जाएगा। कैरियर की सवाल है, सरकारी नौकरी का सवाल है, एक बार आप मेहनत कर लेंगे दोबारा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लगातार फिर जॉब सेशन में चले जाएंगे तो रेगुलर मेहनत आपको करने की जरूरत है पूरी लाइफ आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।